हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 40% ऑफ द लैंड। हम अर्थ पर देखते हैं तो उस पर जो 40% हिस्सा है वो फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इन इंडिया द फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। जो इंडिया में जो टोटल लैंड एरिया है उसका लगभग 1/10 फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। तो फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि जो मेन वेजिटेशन होती है या डोमिनेंट वेजिटेशन होती है वो बड़े प्लांट्स होते हैं, इसलिए हम उसे फॉरेस्ट कहते हैं, जिसमें कई स्ट्रेटा भी बने हुए रहते हैं, सबसे ऊँचे, फिर उनसे छोटे साइज के पेड़, फिर छोटे साइज के पेड़, और एक जो ग्राउंड वेजिटेशन होती है। तो इस तरीके से काफ़ी डिवीज़न देखने को मिलता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए फॉरेस्ट इको सिस्टम, कि फॉरेस्ट इको सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट और सेकंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे। अब लिविंग कंपोनेंट्स में भी हम देखते हैं तो फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर और थर्ड डिकम्पोजर। अब जो कंज्यूमर होता है उसे भी तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो इनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं और साथ में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो सब एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है। यह सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो सॉइल में मिलेगा। इसी तरीके से जैसे मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से मिलते हैं, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो गैसेज होती हैं ये एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। इन एडिशन टू द मिनरल प्रेजेंट इन फॉरेस्ट वी फाइंड द डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस विच इज़ नॉन एज द लिटर। तो अब यहाँ हम देखते हैं लिटर, कि मिनरल्स मिल रहे हैं सॉइल में, इसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है उसको लिटर कहा जाता है। मिनरल्स के अलावा जो जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा वो डेब्रिस कहलाता है, डेब्रिस है जो लिटर कहलाएगा। लिटर इज़ मोस्टली एक्यूमुलेटेड इन टेम्परेट क्लाइमेट। लिटर टेम्परेट क्लाइमेट में एक्यूमुलेटेड होता है। तो सॉइल के ऊपर जो पत्तों, जो लीफ होती हैं, उनका जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा रहता है उसे लिटर कहते हैं। द लाइट कंडीशंस आर डिफरेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफिकेशन इन द प्लांट कम्युनिटीज़। और जो लाइट कंडीशंस हम यहाँ देखते हैं वो भी अलग अलग होती है, क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ऊंचे जो प्लांट होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा लाइट जाती है, फिर उनसे छोटे साइज़ के प्लांट होते हैं, फिर और छोटे साइज़ के होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं लार्ज ट्री, श्रब, हर्ब्स और ग्राउंड वेजिटेशन, इस तरीके से डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो इसलिए जो लाइट की जो कंडीशन होती है वो हर टाइप के प्लांट के लिए अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड चेन अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। बायोटिक कंपोनेंट से मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्लांट, जो कि खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, तो ये सब लिविंग कंपोनेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं, फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आर मेनली ट्रीज दैट शोज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड ग्रेटर डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होंगे, जो कि खुद बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जो लंबे प्लांट हैं, फिर उनसे छोटे साइज के प्लांट, फिर उनसे छोटे साइज के प्लांट, तो इस कारण से यह स्ट्रेटिफिकेशन शो करते हैं।
मोर स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखा जाता है। वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर मेनली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट। जो ट्रीज की वेराइटी होती है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है। क्लाइमेटिक कंडीशन से मतलब कि वहाँ का लाइट, सनलाइट कैसी आ रही है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, प्रिसिपिटेशन, और इसके अलावा सॉइल में मॉइस्चर कितनी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को निर्धारित करते हैं, जिससे कि प्रोड्यूसर या जो ट्रीज़ है उसकी वैरायटी को अफेक्ट करते हैं सारे फैक्टर। और इस तरीके से जो प्लांट्स की वैरायटी है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। बिसाइड ट्रीज़ देयर आर आल्सो शर्ब एंड ग्राउंड वेजिटेशन इज़ प्रेजेंट। और ट्रीज़ के अलावा यहाँ पर ग्राउंड वेजिटेशंस भी पाई जाती हैं, जैसे छोटे साइज़ की श्रब हो गई और हर्ब्स हो गई, इसी तरीके से जो बिल्कुल छोटे टाइप की ग्रासेस होती हैं वो भी यहाँ देखने को मिलती है। डोमिनेंट मेंबर ऑफ फ्लोरा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर होंगे उनमें जो डोमिनेंट मेंबर होंगे या डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज है वो होती हैं टेक्टोना ग्रैंडिस, ब्यूटियस फ्रोंडोसा, शोरिया रोबस्टा। तो ये सारे इसके डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेस्ट में बड़े साइज के ट्रीज पाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखते हैं इन टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट श्रब एंड ग्राउंड फ्लोरा आर इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है वहाँ पर श्रब और जो ग्राउंड फ्लोरा होता है वो इनसिग्निफिकेंट टाइप का मिलेगा। और टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट के जो मेन वेजिटेशन होती है या मेन बड़े साइज के जो ट्री होंगे वो होंगे एबीज, पीसिया, पाइनस, सिट्रस, जूनिपेरस, रोडोडेंड्रोन। इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट द डोमिनेंट ट्रीज आर स्पीसीज ऑफ क्यूआरकस, एसर, बेटुला, थ्यूजा, पीसिया। तो ये सब इसमें डोमिनेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कंज्यूमर। दीज आर एज फॉलोज। कंज्यूमर से मतलब हो गया जो कि प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूम करेगा तो उसको कंज्यूमर कहेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो कम्प्लीटली हर्बीवोरस होता है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो उसी पर ही फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट है हर्बीवोरस। एनिमल फीडिंग ऑन ट्री लीव्स एज एंट्स, फ्लाइज, बीटल्स, लीफ होपर्स, बग्स एंड स्पाइडर। लार्ज एनिमल ग्रेजिंग ऑन शूट और फ्रूट ऑफ प्रोड्यूसर्स एज एलिफेंट, नीलगाय, डियर, मोल्स, स्क्विरल्स, श्रूज, फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्रूट बैग्स एक्सेट्रा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो भी अब यहाँ पे एक तो बड़े साइज़ के होते हैं जो कि डायरेक्टली ग्रेजिंग का काम करते हैं। जो बड़े साइज़ के जो प्लांट हैं उनके फ्रूट्स आ रहे हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको ग्रेज करेंगे। और दूसरे होते हैं जो छोटे साइज़ के इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि एंट हो गई, फ्लाइज हो गई, बग्स हो गई, स्पाइडर हो गई। तो ये क्या करते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं या लीफ हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी इकोसिस्टम में दो टाइप के हमको हर्बीवोरस दिखाई देते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं। बड़े साइज़ के ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स और दूसरा छोटे साइज़ के जो कि इंसेक्ट होते हैं, जैसे एंट, फ्लाइज, ये सब हो गए। तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर सेकंड देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो ये जो कार्निवोरस होते हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं या तो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे या फिर जो इंसेक्ट जो कि लीफ पर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करने वाले इंसेक्ट, उनसे अपना न्यूट्रिशन
रहते हैं। तो कार्निवोरस लाइक स्नेक, बर्ड्स, लिजर्ड, फॉक्स, तो इस टाइप से ये कार्निवोरस यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि जो कंज्यूमर हर्बीवोरस थे उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर इसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से भी को भी फूड की तरह यूज़ में ले सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को भी फूड की तरह यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि दे आर टॉप कार्निवोरस लाइक लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा। तो हर्बीवोरस तो वो एनिमल हो गए जो कम्प्लीटली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए हर्बीवोरस को यूज़ करेंगे, उनको कंज्यूम करते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस को भी फूड की तरह यूज़ में ले सकता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर होता है इसे भी फूड की तरह यूज़ में ले सकता है। अब देखते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स दीज इंक्लूड वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जब देखते हैं डिकम्पोजर्स, तो इनका काम होता है जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, चाहे वो एक्सक्रीशन से निकला हो या कोई एनिमल डेड हो गया या प्लांट का कोई पार्ट डेड हो गया, तो उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को यह है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, उसको एज ए फूड यूज़ में लेते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जो उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रेजेंट रहता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन्हें सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में ये ब्रेक कर देते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। दिस इंक्लूड वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई। अब यहाँ पे बहुत सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वेराइटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि फंजाई, एस्परजिलस, कॉपिरनस, पॉलीपोरस, फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, तो ये सारी जो फंजाई हैं ये डिकम्पोजर्स का काम करती हैं। जो डेड मटीरियल है, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो या कोई एनिमल हो, तो उसके ऊपर ये ग्रो करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और उसको ये डिके कर देते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, श्यूडोमोनास, एंजियोकोकस, तो ये सारे बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इको सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट इज मोर रैपिड दैन दैट इन द टेम्परेट रीजन। जो ये डिकम्पोजिशन की रेट होती है हमेशा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल रहती है, सनलाइट की प्रेजेंस भी अच्छी रहती है, तो इस तरीके से मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन की रेट हमेशा ज़्यादा मिलती है टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में। थैंक यू।